Here Jawaharlal Nehru is with Gandhi ji. So they are discussing some matter in Congress Adhivation Bombay. Okay, that is Congress session, Congress Bombay session. Now, अब आगे बात करिए टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, ये मेन चीज है. अब हम इंडिपेंडेंस पार्ट आ रहे हैं टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन. तो भारत की स्वतंत्रता और भारत का विभाजन. ओके, भारत से कौन अलग हुआ था? सॉरी बोलो. मुस्लिम लीग तो ठीक है, पार्टी अलग बनी थी, लेकिन इंडिया का विभाजन किन दो पार्ट्स में हुआ? पाकिस्तान. पाकिस्तान का भी बाद में विभाजन हुआ क्या? बांग्लादेश. हाँ, बांग्लादेश में हो गया. जिसको वो पूर्वी पाकिस्तान कहते थे वही बांग्लादेश में ना. इन 1940 मुस्लिम लीग ने अपना रिजोल्यूशन पास किया कि हम अलग होना चाहते हैं और हमें इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए. फिर द प्रोविंशियल इलेक्शन हुए 1937 में. सीम्ड टू हैव कन्विंस्ड द लीग दैट मुस्लिम वर ए माइनॉरिटी एंड दे वुड ऑलवेज हैव टू प्ले सेकंड फिडल इन एनी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर. 1937 में जो इलेक्शन हुए उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी थे तो उनको कम सीटें मिली, तो वो सोच रहे थे कि हम हमेशा इंडिया में माइनॉरिटी रहेंगे, इससे अच्छा हमको अलग देश दे. ठीक है. द कांग्रेस रिजेक्शन ऑफ लीग्स डिजायर टू फॉर्म ए जॉइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन यूनाइटेड प्रोविंस आल्सो अनॉयड द लीग. कांग्रेस ने बोल दिया ठीक है हम तुम्हारे साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं, तुम्हारी थोड़ी सीटें आई, मुस्लिम की थोड़ी सीटें हैं, कोई बात नहीं, एलाइड गवर्नमेंट गठबंधन सरकार जानते हो, मिला जुला के तुम्हारे भी थोड़े मंत्री रहेंगे, गृह मंत्री विदेश मंत्री तुमको दे देंगे, बाकी प्रधानमंत्री हमारा है ना, उसको कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं ना. वैसे कई बार दो तीन पार्टियां मिलकर नहीं सरकार बनाती हैं, जैसे अभी बीजेपी की है, बीजेपी को फुल मेजोरिटी ना मिली होती तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस किसी से भूल लेती, फिर ऐसा होता है कि नहीं होता? तो कांग्रेस फेलियर टू मोबिलाइज मुस्लिम मासेस इन 30 अलाउड द लीग टू वाइडन इट्स सोशल सपोर्ट. जब कांग्रेस फेल हो गई मुस्लिम को मोबिलाइज करने के लिए कि मुस्लिम मेरी तरफ आ जाओ, लीग की बात मत मानो, तो फिर ये क्लियर हो गया कि अब मुस्लिम लीग साथ में नहीं रहेगी और इसे अलग देश चाहिए ही चाहिए. नाउ इट सॉट टू एनलार्ज इट्स सपोर्ट व्हेन मोस्ट कांग्रेस लीडर्स वर इन जेल. और ज्यादातर जब कांग्रेस लीडर जेल में चले गए तो मुस्लिम लीग का और दावेदारी मजबूत होती गई. वैसे देवव्रत अंग्रेज क्या चाहते थे, क्या अलग नेशन बने पाकिस्तान की ना बने? सर वो चाहते थे. क्यों? सर इंडिया में हिंदू मुस्लिम का सब वो स्प्लिट हो जाए, इससे इंडिया कभी ज्यादा डेवलप ना कर पाए. किसी भी कंट्री का बंटवारा कर दो तो क्लैश होगा उनके बीच में और आपस में लड़ते रहेंगे, तो ब्रिटिश जहां जहां भी ब्रिटिश ने छोड़ा है, इसी तरह से वो गए थे इसराइल को छोड़ के, तो उन्होंने वहां इसराइल और फिलिस्तीन कर दिया. वो जहां जहां भी छोड़ गए वो बंटवारा करते ही गए. कांग्रेस पर्सन को बार बार जेल भेजा जा रहा था, कोई भी मूवमेंट होता था, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे भी बहुत सारे लोग जेल गए, कितने सारे लोग जेल गए, 1000 लोग मारे गए. तो जब ये लोग जेल चले गए तो क्योंकि रिवॉल्यूशन तो कुछ भी होता था ना, कोई ना कोई आंदोलन होता था, तो ऐसे केस में इनको जेल में डाल दिया जाता था जिससे आंदोलन धीमा पड़ गया. इलेक्शंस टू द प्रोविंस वर अगेन हेल्ड. और फिर 1946 में फिर से इलेक्शन हुए. प्रोविंस का क्या मतलब होता है? बोलो. बताती नहीं हो. प्रांत यानी राज्य ना. तो जब प्रोविंस के इलेक्शन हुए तो कांग्रेस डिड वेल इन जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बट द लीग सक्सेस इन सीट्स रिजर्व फॉर मुस्लिम वर स्पेक्टाकुलर. जहां पर मुस्लिम लीग को रिजर्व सीट दी थी, कई कई काउंसिल में दी गई थी, वहां मुस्लिम भारी मतों से जीती मुस्लिम लीग, और बाकी कांग्रेस जहां रिजर्वेशन नहीं था वहां सब जगह कांग्रेस जीती. इससे क्या हुआ? इट परसिस्टेड विद इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान. फिर इससे उसकी दावेदारी और मजबूत हो गई, भाई हर जगह जहां रिजर्व सीट थी वहां मुस्लिम लीग ही जीत रही है, और भी दूसरी पार्टियां भी वहां खड़ी थी लेकिन जीत नहीं पाई ना.
So in March 1946, British cabinet sent a 3-member mission to Delhi to examine this demand and to suggest a suitable political framework. तो बाद में ब्रिटिश लोगों ने एक फ्रेमवर्क की भारत को कैसे आजाद किया जाए, इसके टुकड़े कैसे किए जाए, तो बोले अगर अभी तक हम लोगों ने कॉमन शेयर किया है तो जब पाकिस्तान बनेगा, भारत का बंटवारा होगा, तो एक छोटी छोटी चीज के भी टुकड़े होंगे, जैसे एक पोस्ट ऑफिस, हर पोस्ट ऑफिस में कितने स्टैम्प पेपर रखे हैं, उन स्टैम्प पेपर में, क्योंकि 17% हिस्सा मेरा पाकिस्तान में जा रहा था इंडिया का, तो उसका 17% स्टैम्प पेपर उनको दिया जाए, अगर इस कमरे में 3 कुर्सी है तो 1.5 कुर्सी काट के पाकिस्तान को दी गई, हर एक छोटी छोटी चीज का बंटवारा हुआ, अगर पहले एक था 1.5 रुपए का, 1 रुपए का, उसको काटा गया, बोला इतना पाकिस्तान को दिया जाएगा। तो जरा हम ये देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर, अगर एक डायरी है बुक है तो ऐसे फाड़ी गई जाए, बोला ये पाकिस्तान के लिए, समझ आया, ये बंटवारा इतना आसान नहीं था, दो लोगों को, एक पाकिस्तान को, पाकिस्तान के और एक इंडियन को, दोनों को बंद कर दिया गया कमरे में, बोला एक खिड़की नीचे से खाना दिया जाएगा जब तक तुम लोग हर चीज का बंटवारा नहीं कर लोगे, 1.5 साल तक कमरे में बंद रहे, बोले इतना इतना सबको बांटा जाएगा, तब निकाला, बंटवारे का मतलब चीज का बंटवारा, समझ आया, और जो उन दोनों के ऊपर कर्ज था वो कर्ज भी बांटा गया, इतना कर्ज पाकिस्तान चुकाएगा, इतना हिंदुस्तान, कर्ज का भी बंटवारा, संपत्ति का भी बंटवारा। देखो तो अब पाकिस्तान बनने वाला था, निश्चित हो गया, तो चीजें भी तो देनी पड़ेंगी ना, जो पूरे रिसोर्स है, तो हर चीज का बंटवारा हुआ। ये देखिए, भारत पाकिस्तान बंटवारे में चीजों का कैसे बंटवारा था, how the things were distributed among India and Pakistan during division. During partition, how the things were distributed among India and Pakistan. दिखाना चाहिए, बने नहीं, जो बांग्लादेश बाद में बना है, बांग्लादेश जब बाद में कभी हुआ था कि यहाँ के मुखर्जी थे लीडर बांग्लादेश के, तो इसमें क्या हुआ, ये देखो ऐसा, अब देखो तो यहां पर ये बात कही गई कि ये पोर्शन क्या है, बोलो क्या ये ईस्ट पाकिस्तान था, और ये पोर्शन क्या था, वेस्ट पाकिस्तान, दोनों एक साथ देवव्रत कब आ जाते, बोलो, तो ये 14th अगस्त 1947 में, और इंडिया
अगस्त 1947 फिर यहाँ इलेक्शन हुए, ये पाकिस्तान है, ये पूरा पाकिस्तान है, तो दोनों जगह इलेक्शन हुए, दोनों इलेक्शन में इनकी 370 सीट्स थी, कितनी सीट्स थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान की 370 सीट्स थी जिसमें 200 सीट यहाँ थी, और यहाँ पर कितनी थी बोलो 170, तो इन 200 सीट्स पर 199 सीट पर मुखर्जी जीत गए। जो मुखर्जी थे वो बेगम खालिदा जी जो वर्तमान वहां के प्रधानमंत्री उनके पिता थे, तो बोलो अब 199 मेजोरिटी हो गई कि नहीं, हाफ कर लो, हाफ से ज्यादा आ रहा, 2 से डिवाइड करो 370, तो 2 1 is 2 और 17 18, तो ये 18 और 10 185 से ऊपर आ गए कि नहीं, इनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सुपीरियर है, ये लोग इंपीरियर है, हम नहीं बनने देंगे, और दिस इलेक्शन आर इलीगल, दिस इलेक्शन इज इलीगल, ऐसे बोल दिया, ये जीत गए थे। तो फिर बोलो इनको क्या क्या लगेगा, वो लोग कभी भी अपना राशन और मेन चीज इनको नहीं देते थे, कुछ भी नहीं देते थे, तो उन्होंने भेद करना शुरू कर दिया था, और यहाँ के सबसे बड़ी तो बात तब हुई जब यहाँ का जो मेजोरिटी का लीडर है उसको तुम प्रधानमंत्री नहीं बना रहे हो, तब से इन लोगों ने सोच लिया कि अब हम अलग अपमान करेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो थोड़े ही दिनों की बात थी, 1971 तक ही बात जोर पकड़ चुकी थी, 1971 का जो वॉर था, तो इंडिया ने यहाँ पर मुक्त वाहिनी सेना भेजी, इंदिरा गांधी ने, किसने भेजी, मुक्ति वाहिनी सेना, जो तुमको मुक्ति कराएगी, मुक्ति ये कब भेजी गई तुमको ये बात बताई थी ना, मुखर्जी और सारा पूरा परिवार के 16 लोग मार दिए थे बेगम खालिदा जिया के, अब वो लंदन में थी अपनी बुआ के घर में, तो अब बोलो जब ऐसे किसी के साथ करोगे, एयरप्लान एरोप्लेन से वहां बम्बार्डमेंट किया लोगों में, मार डाला, तो फिर इन लोगों ने कहा कि अब हम लड़ाई करेंगे, वो फिर पुलिस के खिलाफ उतर आए, सेना के खिलाफ उतर आए, तो सेना के खिलाफ इंडिया ने मदद कर दी, और इंडिया ने मदद की तो पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर लिया, बोले हम हार गए, हमारा जुर्म करो ये मेरे हथियार, इंडिया बहुत सीधा था, इंडिया ने बोला ठीक है तुम छड़े जाओ तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे, तो उनके 90,000 सैनिकों क्या किया वापस कर दिया और ये आजाद हो गया। तो इसकी आजादी अलग है, वो उसी टाइम थोड़ी ना हुई है, कितने दिनों बाद हुई देख लो, समझ में आ गई बात की नहीं। सो इस पाकिस्तान से इसका डिवीजन, अब देखिए आगे क्या कहा गया, इलेक्शन इन द प्रोविंस 46 में हुआ जिसमें मुस्लिम लीग ने अच्छी सफलता पाई, तो ये निश्चित मान लिया गया कि अब तो पाकिस्तान बनाना ही पड़ेगा। अगला पेज निकालो, डायरेक्ट एक्शन क्या, डायरेक्ट एक्शन लास्ट सेकंड ब्रिटिश कैबिनेट सेंट 3 मेंबर मिशन टू एग्जामिन दिस डिमांड, कि उनकी अलग है, इलेक्शन टू द प्रोविंसेस वाज हेल्ड, और कहा लिखा डायरेक्ट एक्शन डे, कहा लिखा, हाँ ये अगले पेज पे, आफ्टर द फेल्योर ऑफ कैबिनेट मिशन द मुस्लिम लीग डिसाइडेड ऑन मास एजुकेशन ऑफ विनिंग इट्स पाकिस्तान डिमांड, तो कैबिनेट मिशन बनाया गया कि सब लोग मिलजुल के बात कर रहे हैं, तो एक और फिर ये पिक्चर देखो, ये वाली ये क्या बता रहा है कि खान अब्दुल गफार खान द पाकिस्तान लीडर फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस विद कोलीग्स एट अ पीस मार्च टू बिहार, खान अब्दुल गफार खान पीस मार्च पर गए कि हिंदू मुस्लिम दंगे मत करो, हिंदू मुस्लिम आपस में मत लड़ो, समझ में आई बात कि नहीं, हिंदू मुस्लिम का पार्टीशन में बहुत दंगा हुआ, जब पार्टीशन हो रहा था तो लोग इतने वो हो रहे थे, लाखों लोग यहाँ से वहां, तुमसे आसान चीज है क्या यहाँ से पैदल चल के पाकिस्तान जाना, वहां तुम्हें मालूम नहीं कहाँ रहना, वहां के लोगों को यहाँ रहना, गरीब गरीब लोग ही थे, तुम क्या लेके जाओगे, और एक महीना डेढ़ महीने से चलते चलते जाओगे तुम्हारे बच्चे भूखे नहीं मर जाएंगे। तो एक तरफ जब पार्टीशन हो रहा था तो इंडिया के लोग चल रहे थे, एक तरफ पाकिस्तान के, तो भारत और पाकिस्तान, लेकिन लोगों ने सोचा इन्हीं मुसलमानों की वजह से हमारा घर टूटा, तो इन लोगों ने एक ने उठा के पत्थर मारा उधर, पत्थर मारने की देर थी, लोग तो बहुत गुस्से में थे ही, दुखी भी थे कि उनके बच्चों, तो उधर से भी पत्थर मारा जाने लगा, इधर से भी पत्थर मारा जाने लगा, जो ट्रेनें पाकिस्तान से इंडिया आ रही थी वो हिंदुओं को भर के ला रही होगी, मुस्लिम को, हिंदुओं को भर के ला रही थी ना, तो जो ट्रेन आती थी
तो वो रास्ते में ही मुस्लिम पूरी ट्रेन के ट्रेन काट देते थे सबको, और उसमें लाशें आती थी, और इसी तरीके से जो यहाँ से वहाँ जाती थी वो पूरी लाशों से भर के जाती थी। इंसान भरते थे लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरे उपद्रवी लोग थे वो क्या करते थे, तो इस तरीके से खून खराबा हुआ मेरे नाना ने 12 मुसलमानों के थे, सब ऐसे ही कर रहे थे जिसको जहां मिल रहा था, क्योंकि उन्होंने पार्टीशन देखा, समझ में आई बात की नहीं, तो जिसको भी सब वो भी आ रहे थे तलवार और बंडासा लेके, जिसको मिला था सब मारे जा रहे थे, किसी को पता नहीं कि कौन मारा जा रहा है, लेकिन हर गली में यही काम हो रहा, जिसको जो मिल रहा था बस धर्म के आधार पर जाति के आधार पर। तो सबसे ज्यादा खून खराबा हुआ। तो ये तुम्हारे जो पिक्चर दिया गया है खान अब्दुल गफ्फार खान, ये किस चीज को बताता है, बोले कि ये दंगा मत करो भारत पार्टीशन हो गया है, अशांति मार्च निकाला बिहार में, लिखा है कि नहीं, तो ये इसीलिए दिखाया गया है कि अब देखो टाइम ऑफ पार्टीशन गांधी मूवी, इस चीज को देखो, खबरों को थोड़ा सेंसर करेंगे। पार्टीशन के समय क्या हुआ, अरे कुछ तो भाषा था मुसलमानों के कुरान से और कुछ हिंदू गीता से, बारी बारी से घूम कर वहां से ये जीते भी थे। तो कहां से जीते थे बताओ, दैट इज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था उस समय, कोई एक राज्य था नॉर्थ वेस्ट, यानी ये नॉर्थ है और ये वेस्ट, यहाँ पे ऐसे जीते थे नॉर्थ वेस्ट, ये वेस्ट हुआ और ये क्या हुआ, तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब है वो राजस्थान या गुजरात से जीते। और बादशाह खान वाज स्ट्रॉन्गली अपोज टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ही क्रिटिसाइज्ड कांग्रेस कोलीग्स फॉर एग्रीइंग, उन्होंने अपने कांग्रेस के लीडर से भी बोला कि तुमको सहमत ही नहीं होना चाहिए था, तुम पार्टीशन के लिए राजी कैसे हो गए, ब्रिटिश ने डिमांड की थी तुम मत मानते, लड़ाई करते तुमको जल्दी थी प्रधानमंत्री बनने की, तुम राजी हो गए। नाउ अब देखो, रिफ्यूजीज फ्रॉम राइट टर्न पंजाब गैदर इन न्यू दिल्ली इन सर्च ऑफ सल्तनत फूड, जो पंजाब, ऐसा नहीं है कि पंजाब जो था वो यहीं पर ही था, पंजाब इतना बड़ा था जिसमें से आधा पंजाब किसको मिला, पाकिस्तान को, तो वहां से जो शरणार्थी आए भागकर वो दिल्ली आए, ये दिल्ली था तो दिल्ली में वो सब रिफ्यूजीज आए, और उनको रिफ्यूजीज को शरण देना ये क्या आसान है, तो बहुत सारी वहां पर अलग अलग बस्तियां बनाई गई, उनको रखा गया, सब लोगों को दिल्ली बुलाया गया, लाखों से। अगला पिक्चर देखो, तो ये वहां से पाकिस्तान से भाग भाग के आए और सब इनको रखना मुश्किल हो गया। देखो इट अनाउंस 16 अगस्त एज डायरेक्ट एक्शन डे, अब यहां पर क्या दिया गया, मुस्लिम लीग डिसाइडेड ऑन मास एजुकेशन, 16 अगस्त को उसने बोला कि अगर तुम हमारी बात नहीं मान, 46 की बात की जा रही, 47 की नहीं, एक साल पहले, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे और हमें पाकिस्तान नहीं दोगे तो हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे, हमें जिसको मारना होगा मार देंगे, इसको कहते हैं डायरेक्ट एक्शन दे, हम तुमसे अपील नहीं करेंगे, हमें जो करना होगा हम वो करेंगे, इसको कहते हैं हम कानून अपने हाथ में ले लेंगे। डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब है कि राइट होना, दंगे होना, कि नहीं, सेवरल डेज तक कलकत्ता में नोवा खाली में खुलेआम लोगों को मारा जाता है, छोटे छोटे बच्चों को मारा जाता है, दो दो महीने के बच्चों, तो नोवा खाली में, ठीक है, लास्टिंग सेवरल डेज एंड रिजल्टिंग इन डेथ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल इस दंगे में मारे गए, जो साथ अभी तक मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे वो जस्ट कुछ आजादी से कुछ दिन पहले ही हो गया, लेकिन अंग्रेज की ये भी हालत नहीं थी कि वो उसको संभाल सके, वो कह रहे थे गांधी जी से अपील कर रहे थे कुछ तो शांति कराओ नहीं तो हमारा नाम खराब हो रहा है, क्योंकि जिसके अंदर में पावर होती नाम उसका खराब होता है, समझ नहीं, तो काम अंग्रेजों का ही हुआ था, उन्होंने पार्टीशन कराया, लीग बनाई, सीट्स दी, ये सब ना देते तो होता है सब ना, मैनी थाउजेंड 100,000 पीपल वर किल्ड एंड न्यू 100,000, सुनो हजार नहीं सैकड़ों हजार लोग, ये लाखों होते हैं मारे गए, मुस्लिम ऑफ पीपल वर फोर्स टू फ्ली देयर होम्स, तो पार्टीशन के समय मिलियंस ऑफ पीपल, एक मिलियन में ही 10 लाख होते हैं और मिलियंस का मतलब करोड़ों वहां से यहाँ आए, टोटल 36 करोड़ जनसंख्या की मिला के, और उसमें से करोड़ों वहां से यहाँ, यहाँ से वहां गए, समझो अगर हर 36 में से 2 करोड़ लोग भी गए होंगे तो क्या तुम सोचो 36 में 2 लाख जाए तो बड़ी बात नहीं, इतने लोग यहाँ से, क्योंकि सब वहां से यहाँ आ गए, तो इससे क्या हुआ, और ये जहां पर भी आए वो उनके लिए अपरिचित लैंड थी, इट वॉज अलियन लैंड, अलियन जानते हो ना, एलियंस, तो अलियन लैंड थी,
Partition also mean that India changed, many of its cities changed, and a new country was born. So the joy of country's independence was with pain and violence. हमने आजादी का स्वाद तो चखा, लेकिन इसमें हिंसा बहुत थी और साथ में दर्द भी था कि हमारा एक हिस्सा हमसे टूट गया। दोनों तरफ कैबिनेट मिशन आफ्टर द फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन, जरा यहाँ पर पिछले में देखिए कि 1947 ब्रिटिश कैबिनेट सेंट अ थ्री मेंबर मिशन टू दिल्ली, देयर डिमांड एंड सजेस्ट अ सूटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। तीन ब्रिटिश के ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोग आए और बोले कि हम ठीक है इन लोग को आपस में मना लेंगे। उनका मिशन था कि पार्टीशन को ठीक ठाक से करा देना, या कराना या ना कराना एक सल्यूशन तो दे ही देना। लेकिन उस वो मिशन फेल हो गया अपने इस उद्देश्य में कि सभी पार्टियों को राजी कर लिया जाए, तो उस चीज़ को कहा गया कि कैबिनेट मिशन फेल हो गया। जब कैबिनेट मिशन फेल हो गया, उसने ये भी डिमांड नहीं सबमिट की कि हम भारत का बंटवारा चाहते हैं, लेकिन उसको जो कि सभी पार्टियां एक साथ राजी नहीं थी ना, कांग्रेस भी नहीं राजी थी, ठीक से बताई नहीं थी बंटवारा करना है, तो फेल हुआ भी नहीं। सबको साइन करना चाहिए उस मिशन पे, साइन नहीं किया सबने, फेल हो गया। तो मुस्लिम लीग ने कहा देखो मिशन भेजा और उसने मेरी पाकिस्तान की डिमांड नहीं मानी, अब डायरेक्ट एक्शन भी होगा। ऐसा उसने 16 अगस्त को किया और 16 अगस्त से ही पूरे बंगाल के नोआखाली में दंगे शुरू हो गए। क्या नोआखाली में दंगे होते ही गांधी जी ने 30 दिन का आमरण अनशन कर दिया, देयर इज नो फूड टिल देयर, तो लोग वहां शांत हो गए। जब जब भी कहीं दंगे होते थे गांधी जी को ऊपर डाल कर चले गए। अब जरा देखिए नेशनलिज्म इन अफ्रीका द केस ऑफ घाना, ये तो इंडिया की बात हो गई। घाना में क्या हुआ, द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी विटनेस द राइज ऑफ नेशनलिज्म अफ्रो अफ्रीकन। अर्ली 20th सेंचुरी यानी 1910-1920 में, समझ में आई बात कि नहीं, अफ्रीका भी आजाद होने लगा। क्योंकि जब गांधी जी ने अपना पहला मूवमेंट कहां से शुरू किया, अफ्रीका से, तो क्या वहां उन्होंने लोगों को आजादी का स्वाद चखा दिया था? 1950 में आ गए तो बहुत सारे रूल बदलवा के आए थे कि नहीं, लोग फिर अपने आप ही लड़ते रहे। और फिर उनकी बागडोर किसने संभाल ली, नेल्सन मंडेला ने, अफ्रीका के लीडर थे, और उनको भारत रत्न मिल गया, भारत भी आए। तो गांधी जी के आने के बाद अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है, नेल्सन मंडेला को। उन्होंने वहां आजादी दिलाई, उनके नाम पे तुम्हारी बुक में चैप्टर भी होगा, अभी तक आ चुका होगा, नहीं तो 9th में आ जाएगा, अभी नहीं आया ना, ये था 9th में होगा। अब देखो द फ्रीडम मूवमेंट वॉज लेड बाई क्वामे निक्रुमा, कन्वेंशन पीपल पार्टी थ्रू स्ट्राइक्स, बॉयकॉट, मास रैली, ये सब हुआ। और इसके बाद क्या हुआ, इट अपोज द एग्जिस्टिंग सिस्टम। और फिर वहां पर ब्रिटिश ने उनको क्या किया, नो नॉमिनेटेड और स्पेशल मेंबर, ब्रिटिश ने उनको आजाद कर दिया, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई, और इसके बाद कन्वेंशन पार्टी वन, जो कन्वेंशन पार्टी बनी थी वो जीत भी गई और उसने अपना शासन कर लिया। बात समझ में आई, क्वेश्चन में आएगा तो और बता देंगे। अफ्रीका में भी ये हुआ, अफ्रीका में जो वहां पर राष्ट्रीय आंदोलन हुआ देवव्रत, उसके लीडर कौन थे, ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के लीडर कौन थे, नॉर्थ वेस्ट बता नहीं रहे, बताओ, खान अब्दुल गफ्फार खान, अभी बताया कि नहीं, खान कोई बात नहीं, हटिया होगा। चलो नाउ इंटरेस्ट क्वेश्चन, व्हाई वर पीपल डिससेटिस्फाइड व्हेन ब्रिटिश रूल विद ब्रिटिश रूल 1870 और 1880 की बात की गई है कि why people were dissatisfied, class 8 making of national movement solutions। यही चैप्टर तुमको 3 साल तक 3 क्लास में यही पढ़ा जाएगा बार बार, जब तक तुम्हें याद ना हो, यही चीज आएगी 3 साल।
बहुत ध्यान देने वाला। ओके, व्हाई वर द पीपल डिससैटिस्फाइड विद ब्रिटिश रूल इन 1870 एंड 1880? तो द पीपल वर डिससैटिस्फाइड विद ब्रिटिश रूल इन 1870 एंड 1880 बिकॉज़ दे थॉट दैट ब्रिटिश वर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड लाइव्स ऑफ पीपल। सो पीपल थॉट दैट ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिशर्स थे, आर टेकिंग, ये क्या कर रहे हैं, टेकिंग कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, वे भारत के रिसोर्सेज को ले ले रहे हैं, ऑफ इंडिया एज वेल इंडियन पीपल, इंडियन पीपल को भी वो यूज कर रहे हैं, उन पर भी कंट्रोल कर ले रहे हैं, इसलिए लोग डिससैटिस्फाइड थे, यहाँ के लोगों को गुलाम बना रहे थे कि नहीं। सर, और बुक में लिख रखा है कि आप एक्ट पास हुआ था और प्रेस वर्णा को नाम रसा तो आप एक्ट ब्रिटिशर्स आल्सो पास्ड, ब्रिटिशर्स पास्ड आर में क्या था शौर्य कि सर कोई भी सर इंडियन सर अपने घर में सर बंदूक ठीक है Passed on Act, ठीक है, in 1878, ये वही टाइम पीरियड है 1870, अंडर विच नो इंडियन कैन पुट आर्म्स इन देयर होम। और एक बताओ शौर्य, वर्नाकुलर एक्ट का प्रेस एक्ट क्या था सर, मतलब कोई भी सर न्यूज़पेपर में सर ब्रिटिश के बारे में सर सही है। सो वर्नाकुलर एक्ट वाज पास्ड एज पर दिस इफ any local newspaper writes something against Britisher then its press and material will be confiscated or taken by Britishers. वैसे confiscated है, उसको जब्त कर लिया जाएगा या फिर टेकन लिख लो। व्हाट डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस विश टू स्पीक फॉर, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके लिए बोलना चाहती थी, क्या वो अमीरों के लिए बोलना चाहती थी जो 72 लोग शुरू शुरू में आए थे उनके लिए बोलना चाहती थी, ठीक है यही लिखो। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस विश्ड टू स्पीक, इंडियन नेशनल कांग्रेस विश्ड टू स्पीक, कल 9 बजे मॉर्निंग में क्लास है, टू स्पीक फॉर गुड ऑफ ऑल कंट्रीमैन ऑल कंट्रीमैन, सभी लोगों के लिए बोलना चाहते हैं, एज थ्रू ए न्यूज पेपर रिपोर्ट, ये बात समझ में आएगी, केम टू नो दैट बदरुद्दीन त्यागी सेड कांग्रेस इज कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। सो कांग्रेस इज कंपोज्ड ऑफ, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या समझते हो,
तो वही प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल क्लास एंड कैटेगरीज ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ बात नहीं करो, ऑल क्लास कैटेगरीज एंड रिलीजन ऑफ इंडिया। ये बद्रुद्दीन त्यागी ने कहा था। नेक्स्ट, व्हाट इकोनॉमिक इंपैक्ट डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैव ऑन इंडिया? शॉर्ट इट सर, इंडिया के सर सारे वेपन सर मतलब खत्म हो गए। क्या जी? सब वेपन। ये कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा? दिखा, हमने तो लिखा। ऐसा था क्या? नो सर, इंडिया तो वेपन सर। सर उनको वाटर का हैवी टैक्सेस पे करने पड़ रहे थे और इंडिया की तरफ से लोगों को भेजा जा रहा था का उधर पाइप करने के लिए। पाइप करने के लिए, और यहाँ पर जो इंपोर्ट बंद हो गया था और यहाँ से बहुत सारी चीजों का वही यहाँ से सामान तो वो ले जा रहे थे सब, राशन और सब कुछ, और बाहर से जो चीज आनी थी वो आने थी। इंपोर्ट का तो इससे क्या हुआ कि ये वाला वेपन वाला इंटरेस्टिंग लगा, कहाँ है? नाउ पहली चीज इकोनॉमिक इंपैक्ट। सो आफ्टर WW1 आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हुआ? राइज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। सो इसकी वजह से क्या हुआ? हैवी टैक्सेस ड्यूरिंग, लिख लो आफ्टर वर्ड है कि ड्यूरिंग? ड्यूरिंग ही है, ड्यूरिंग लिख लो। Heavy taxes were imposed on Indian people. क्यों ऐसा किया गया? To meet, मयंक बोलो, to meet, नहीं है तो आप बोलो, अच्छे किसके? To meet, to meet the sir जो soldiers की जो भी requirement है, war expenses, वार के खर्चे पूरे करने के लिए, वार एक्सपेंसेस। तो हमारे यहाँ जो था, पहली बात क्या की गई कि उनके ऊपर हैवी टैक्स लगा दिए गए। राइज इन प्राइजेस, सो इसका मतलब है इंक्रीज इन वार सप्लाई, वार की सप्लाई बढ़ेगी कि नहीं, एंड फूड फॉर फूड सप्लाई फॉर सोल्जर्स। सोल्जर्स को तो आपको देना ही पड़ेगा जो लड़ रहे हैं, ठीक है। लेट राइज इन प्राइजेस, इसकी वजह से क्या हुआ? लेट हाई राइज इन प्राइजेस ऑफ डे टू डे बेसिस कमोडिटीज, जो रोजमर्रा की चीजें होती है ना, सो डेली यूटिलिटीज। डेली यूटिलिटीज में तुम जो रोज इस्तेमाल करते, यूटिलिटी तो समझते हो ना, डेली यूटिलिटीज की चीजें ऐसी क्यों हो रही थी? क्योंकि वार सप्लाई की वजह से। और तीसरी चीज क्या हुआ कि अब देखिए इंडिविजुअल, नाउ तीसरी चीज है एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। फ्रॉम इंडिया कई जूते बनाने वालों को काम मिल गया, कई लोग वर्दी बना रहे थे तो वो बढ़ गया। इंडिया इंक्रीज्ड एंड
एक्सपोर्ट तो बढ़ गया और इंपोर्ट डिक्रीज्ड, ठीक है। दिस गेव बिजनेस, इसकी वजह से क्या हुआ, बिजनेस मैन ने लार्ज प्रॉफिट, जो इंडियन बिजनेस मैन थे उनको बहुत फायदा हुआ एंड इंडियन बिजनेस प्रोलिफरेटेड, उसकी कई गुना वृद्धि हुई, इंडियन कंपनी स्टेब्लिश कर गई, जैसे कानपुर की जूट मिल हो गई, ऐसे कई कई जूट मिल है, जेके जूट मिल, कमलापत झुग्गी लाल की जूट मिल, कपड़े खूब बनने लग गए, तो इस तरीके से जूट मिल रातों रात इंडिया में इंडस्ट्री बढ़ने लग गई, इंडियन इंडस्ट्री। भाई जब तुमसे बहुत चीजें मांगी जाएंगी तो इंडिया के लोग तो सप्लाई करेंगे, एंड मैनी बिजनेस मैन गॉट रिच, अमीर बन गया। सो दिस लेड, इसकी वजह से क्या हुआ, इंक्रीज इन ए बिजनेस, इंडियन बिजनेस, इसकी वजह से इंक्रीज हुआ, ठीक है, इन इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज विच गेव लार्ज प्रॉफिट टू बिजनेसमैन, विच गेव लार्ज प्रॉफिट टू बिजनेसमैन। ये बात है, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब फोर्थ क्वेश्चन देखें, What did the Muslim League resolution of 1940 asked for? 1940 में Muslim League ने अपनी बैठक की, तो उसने क्या resolution पास किया? क्या नतीजा निकला बोलो? Sir, Muslim demanded for separate states. बहुत अच्छा, correct. एक line लगा दिया. Muslim League demanded for independent states. Sir, in North, Western and Eastern. ये भी है? Yes. North, West? और sir, Eastern. तो नॉर्थ वेस्ट समझे, देखो ये नॉर्थ है, वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट हुआ और ये ईस्ट हुआ, पूरी बात दोनों ने मिलकर पूरी बात कह दी, समझ आई? तो मुस्लिम लीग, ये दोनों की जो जोड़ी है ये रंगा बिल्ला की जोड़ी है, ये मिलकर किसी भी बात को पूरी तरीके से बता देते हैं। तो मुस्लिम लीग डिमांडेड फॉर इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट का मतलब नेशन हुडी है, डिमांडेड फॉर इंडिपेंडेंट स्टेट इन 1940 इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, एंड ईस्ट प्रोविंस, कि भाई हमें दो जगह मेरी मुस्लिम आबादी है, हमें तो चाहिए। अब देखें फिफ्थ क्वेश्चन, हु वर द मॉडरेट्स, एक नरम दल था और एक गरम दल था, क्या आप मुझे बताएंगे ये गरम दल के नेता कौन थे, किन्हीं तीन का नाम बताओ, और वो रेडिकल थे जो बम बरसाते थे, वही गरम दल थे, आजाद, राजगुरु, यही सब थे कि नहीं, ठीक है। बीके दत्त भी थे उन्हीं में से, अब देखो बाल कृष्ण दत्त नाम था पूरा, नाउ सो Who were the moderates? जबकि गांधी, नेहरू, ये सब लोग कौन थे? Moderates थे। Okay. Moderate थे। उनको तो बस अपने लिए काम करना था, वो अपने फायदे के लिए सोच रहे थे। जो मतलब आजादी से पहले की लड़ाई चलाई ना तुम्हारे पिछले चैप्टर में, लग करते हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, उसी टाइप के थे वो, अपनी लड़ाई धीरे धीरे लड़ते गए और लास्ट में जब आजादी मिली तो उन्होंने अपनी दावेदारी ठोकी, भाई हमको भी रिजर्वेशन दो,
ड्यूरिंग आजादी इन्होंने कुछ खास काम नहीं किया, लेकिन जब आजाद होने लग गए तो ये भी एक मेंबर बन गए संविधान पीठ के, क्योंकि ये बहुत पढ़े लिखे थे, वकील थे। उन्होंने कहा आप तो बहुत पढ़े लिखे, आप भी बनाओ। तो इन्होंने बहुत सारी जगह आरक्षण आरक्षण डाल दिया सर। ये ड्यूरिंग फर्स्ट 20 ईयर्स इट वॉज कांग्रेस वॉज मॉडरेट। देखो ड्यूरिंग फर्स्ट, अब ये भी बता दो कि कांग्रेस कब फाउंडेड हुई है और किसने की है, बोलो। सर कांग्रेस बताया करो, निखिल बोलो। आद्या सर एओ ड्यूरिंग की है। और लक्षिता 1885 में एओ ह्यूम ने की, जो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन थे ना। अब जरा देखो ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 20 इयर्स, पहले 20 साल तक तो कांग्रेस मॉडरेट थी, ये सिर्फ काउंसिल में कुछ सीटें ही चाहती थी। ड्यूरिंग फर्स्ट 20 इयर्स कांग्रेस वॉज मॉडरेट, कांग्रेस वॉज, चलो सोचो 1885 से 20 इयर्स तो लगाओ, तो 19 कितना हुआ, 8, 2, 10, 19। लेकिन फिर धीरे धीरे लाला लाजपत राय आया, अब 15 में फिर गांधी जी आए, वो थोड़ी और वैसे करने लड़ाई भी करने लगे। नहीं तो ड्यूरिंग फर्स्ट 20 ईयर कांग्रेस वॉज मॉडरेट इन इट्स डिमांड। फिर इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इसके ऑब्जेक्टिव बहुत उद्देश्य कुछ थोड़े थे, इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स सम मॉडरेट लीडर्स वर दादा भाई नेहरूजी, फिरोज शाह मेहता, बद्रुद्दीन त्यागी, ये थे। सही है, सभी लीडर के नाम लिखो जिन्होंने फाउंडेड किया, मॉडरेट लीडर्स। ये बहुत पैसे वाले लोग थे, ये बस थोड़ा सा पावर चाहते थे, हमें पावर मिल जाए हमारा भी नाम हो जाए। मॉडरेट लीडर्स वर दादा भाई नेहरूजी, तो उन्होंने ब्रिटिश में भी अपना लीडरशिप की थी, फिरोज शाह मेहता, एंड बद्रुद्दीन त्यागी। बद्रुद्दीन त्यागी ने कहा था कि कांग्रेस इज कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये पूरी बात बद्रुद्दीन त्यागी ने कही। बद्रुद्दीन त्यागी और रमेश चंद्र आरसी दत्त ना, हाँ ठीक है, रमेश चंद्र दत्त और एस सुब्रमण्यम अय्यर, डब्ल्यू सी बनर्जी, थोड़े बहुत नाम याद करने लगते नहीं, डब्ल्यू सी बनर्जी, एस सुब्रमण्यम अय्यर और एंड सुरेश सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुब्रमण्या अय्यर एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सिक्स क्वेश्चन, दे वांटेड, ये पावर शेयरिंग इन ब्रिटिश रूल, ये क्या चाहते थे, पावर शेयरिंग इन ब्रिटिश रूल। लगा सकते हो पावर शेयरिंग एंड सम लेजिस्लेटिव काउंसिल सीट। इन ब्रिटिश रूल कि तुम रूल कर रहे हो हमको भी तो थोड़ी शक्तियां दो।
how was the politics of radicals within the Congress different from moderates? Congress के अंदर ही रहकर कुछ लोग अतिवादी थे, कुछ मध्यम वर्गीय थे, कुछ बहुत अतिवादी के, नहीं भाई हमें सीट नहीं चाहिए, हमें तो स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज की बात मानी भी गई बाद में, जब 26 जनवरी 26 का अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, कितने का हुआ था, 20 साल पहले, देखो कब था 26 जनवरी का अधिवेशन, जिसमें 30 है ना, क्योंकि ठीक 20 साल बाद फिर वो हुआ था, तो उस समय यार लाहौर अधिवेशन भी बात रखी। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज ना, तो अब 26 जनवरी को क्या हुआ था वो भी तो देखो, इंडिपेंडेंस डे वाज ऑब्जर्व, अच्छा, और 29 में पूर्ण स्वराज और 30 में इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, ये चीज़ नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज जो रेडिकल है उनकी पॉलिटिक्स कैसे डिफरेंट थी? So, बंगाल महाराष्ट्र एंड पंजाब में मैनी लीडर्स अडॉप्टेड मोर रेडिकल स्पिन टू गेन फ्रीडम, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय, ये लोग रेडिकल्स हैं ना। तो अभी मैं इसको देख के बताता हूँ कि नरम दल के नेता कौन थे, कहीं गरम दल में इन्हीं को ना रखा जाता, ऐसे बता दें। भगत सिंह तो कांग्रेस के नेता थे ही नहीं ना, भगत सिंह को तो कांग्रेस, उनको जगह ही नहीं मिलेगी, जो बमबाज है उनको मिलेगी क्या कांग्रेस मिलेगी, मुझे लगता है उनको कोई जगह नहीं मिलेगी, इन्हीं को मिलेगी गरम दल में। लेट अस चेक, तो ये वाला अब देखो, कांग्रेस में नरम दल और गरम दल के नेता कौन थे? देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो गुट, नरम दल के नेता गोखले थे और गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक थे, 1907 में हुआ। और भी कुछ है मतभेद, तो इन्होंने बोला था गरम दल के नेता में लाला लाजपत राय पाल आ गया ना, तो लाल बाल पाल ही गरम दल के, और नरम दल के लोग वो थे जो ब्रिटिश शासन के प्रशंसक थे, वो कहते थे कि ब्रिटिश शासन को बस हम बता दें कि हमें ये चाहिए तो बस हमें मिल जाएगा, उनका उनकी मंशा खराब नहीं है, जैसे दादा भाई नेहरूजी, उमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ये नरम दल के लोग थे, और दाल ये लाल बाल पाल कौन लोग थे, गरम दल के। तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ही गरम दल, भगत सिंह तो कांग्रेस के थे ही नहीं, समझ में आ गई बात। अब देखो तो मॉडरेट्स तो वो भी लोग थे ना, फिफ्थ क्वेश्चन में कि जो ब्रिटिशर्स के अपोज करते थे बट मॉडरेट थे, तो वो कांग्रेस ही तो थी, और कौन था जो उन्होंने में कि मॉडरेट कौन है, तो ये है मॉडरेट ही सलोनी के नाम सुन, नरम दल पूछो बताएं क्या पूछो ऊपर मॉडरेट्स, ये तो कांग्रेस के फाउंडर थे और इनिशियल मेंबर्स थे, ये सभी मॉडरेट्स थे, इन्होंने 15-20 साल चलाई कांग्रेस, 20 साल चलाई दादा भाई नेहरू जी, ये सभी थे, अब बाद में इन्हीं से टेक ओवर कर लिया गांधी जी नेहरू, वो सब आगे चला रहे। तो शुरू में कांग्रेस मॉडरेट ही थी, फिर उसके बाद जब लाल बाल पाल आ गए तो उन्होंने कांग्रेस के अंदर रह कर ही एक अपनी अलग पॉलिटिक्स शुरू कर दी, वो कह रहे थे इतने से क्या काम बनेगा, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, तो वो बॉम्बे बंगाल और कहाँ के तीन लोग, तीन जगह काम कर लिखे, तो बंगाल महाराष्ट्र और पंजाब, ठीक है गांव लिखिए। बिपिन चंद्र क्वेश्चन पढ़ो, हाउ वाज द पॉलिटिक्स डिफरेंट, लिखिए बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय एंड और कौन थे, पाल लाल और बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक इसमें लिखा भी होगा, शुरू में लिखा नहीं था, तो ये लिखा है बाल गंगाधर तिलक, बहुत पहले लिखा था ये बाल गंगाधर तिलक, सबसे पहला नाम है, नहीं देखो बाल गंगाधर एंड बाल गंगाधर तिलक एंड बाल
गंगाधर तिलक वर मॉडरेट नहीं थे, ये कौन से थे? रेडिकल्स इन कांग्रेस। तो कांग्रेस में इन्होंने अपनी अलग पॉलिटिक्स चलाई। सो दे वांट टू गेन कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश, वांट टू गेन कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश। They were also known as Lal Bal Pal. These were also called, इसको ट्राई अम्ब्रिवेट कहते हैं, या ये कह सकते हैं थ्री मिलिटेंट्स ऑफ कांग्रेस। उनको ये माना जाता है कि तीन कांग्रेस के तीन उग्रवादी। कांग्रेस में ही रह जाए लेकिन अगर माँ का लाडला बिगड़ जाए तो ये तीन लाडले थे जो बिगड़ गए। तो दीज वर आल्सो कॉल्ड लाल बाल पाल। लाल बाल एंड पाल थ्री मिलिटेंट्स ऑफ कांग्रेस ऐसे माना जाता है। थ्री मिलिटेंट्स ऑफ कांग्रेस। सो they rose strongly against 1905 Bengal partition. ये ब्रिटिश के खिलाफ पूरे विरोध के साथ खड़े हुए। जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ ना, इन्होंने विरोध किया। They rose strongly. They rose strongly against Britishers. During 1905 Bengal partition, तो इस तरीके से इनकी भी राजनीति चलने लगी। इसीलिए 20 साल लगे, जरा काउंट करो, यहां से 20 साल जोड़ के यही पड़ता है। तो 20 साल बाद फिर उनमें ये भी आ गया, हुआ कि नहीं? पिछले साल में कंटिन्यूअसली रहा है, देखो उससे इन्होंने रिलेट कर दिया। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल आल्सो वाज द फाउंडर ऑफ वंदे मातरम पत्रिका। वंदे मातरम न्यूज़पेपर निकाला था बिपिन चंद्र पाल। अगला क्वेश्चन पढ़ें। सेवन सर, इसमें तो केवल वो रेडिकल्स ही हुआ, फिर मॉडरेट्स का तो बताया नहीं। सो हाउ वर द पॉलिटिक्स ऑफ विदिन द डिफरेंट फ्रॉम मॉडरेट्स। मॉडरेट्स के बारे में तो पीपल मस्ट लर्न कि उनको अपना राज्य, ठीक है लिख लो, लिख लो। तो मतलब ऑन द अदर हैंड ब्रिटिशर्स, ये जो मॉडरेट वर थिंकिंग दैट ब्रिटिशर्स हैव गुड इंटेंशन, ओनली द नीड इज टू नोटिफाई देम अबाउट अवर डिमांड्स। अच्छा लिख लो, हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड मॉडरेट्स, अब तुम्हें पता तो चली गया, दादा भाई नेहरू जी का नाम डाल देना, किसी का भी नाम डाल देना, एक दो का, फिरोज शाह मेहता दो डाल ही देना। ऑन द अदर हैंड मॉडरेट्स थॉट, क्योंकि पास में चल रहा है, दैट ब्रिटिशर्स है गुड इंटेंशन, and only need is only need is sentence pura karo to usko bhi socha to 10 minute soch ke bata hi deta nahi beta is ab fir se bolo aap bolo ek kon bata
अच्छा फिर से वो सोच लेता नहीं। क्योंकि वो दोनों रंगा मिल रहा है, उनको बताने दिया करो। अब देखें तो मॉडरेट ये चाहते थे कि ब्रिटिश का अच्छा इंटेंशन है और हमें सिर्फ उन्हें बताने की जरूरत है। अगर हम बता सकेंगे, तुम सुनते नहीं हो कि कोई और प्रॉब्लम है, कौन से कान में है? वो ईयर वाली डिवाइस नहीं होती है, वो लगाओ। बोलोगे नहीं मम्मी पापा से ना कुछ लाके नहीं देंगे, मैं भी खिला के टाइम पास कर रहा हूँ। नहीं बोलो कि मम्मी मेरा स्वराज्य मेरा पूर्ण अधिकार है, कान की और आंख की मशीन लाओ। अब देखो, डिस्कस द वेरियस फॉर्म्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टूक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, हाउ डिड द पीपल अंडरस्टैंड गांधी जी। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में हम देखें और लोगों ने इसे कैसे लिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देवव्रत, इसका हिंदी मीनिंग क्या है बोलो? कौन सा? असहयोग। हम उनका सहयोग नहीं करेंगे। तो इसमें क्या चीज होती है असहयोग का, क्या मतलब बताएंगे? सर मतलब वो जो कहेंगे हम सारे को। नहीं नहीं, अवज्ञा की बात करने लगे तुम तो, डिसोबीडियंस की बात करने लगे। तोड़ने में तो डिसोबीडियंस है। मतलब क्या, सरकार चलाने में मदद नहीं करेंगे, तुम अकेले हजार लोग चला लो, देखे कैसे चला लो। तोड़ने वाला कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है, तोड़ फोड़ नहीं करनी है ना। अब आगे देखें कि नेक्स्ट इज ड्यूरिंग 91 एंड 21। देखो ड्यूरिंग 1921, that is the starting of non-cooperation movement. 21 में शुरू हो गया था, and 1922, non-cooperation movement led by महात्मा गांधी, non-cooperation movement led by महात्मा गांधी was in full swing. इसका क्या मतलब है? महात्मा गांधी वॉज यानी फुल स्विंग। ये झूले में कोई बैठा हो और पूरे जोरों से झूल रहा हो, पूरे जोरों पर था, फुल स्विंग, वॉज इन फुल स्विंग या अपने पूरे जोरों पर था। अब देखो क्या क्या हुआ होगा। Thousands of students left government schools. Left schools. Lawyers gave up practices. Professors left colleges. ये समझ में, ठीक है। Indians surrendered British titles and decorations. जो legislative council member left their seats. काउंसिल के लिए लड़ाई हुई तो वही सीट ही छोड़ दी। लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर, इसका मतलब है कि विधान परिषद के सदस्य, विधानसभा, विधान परिषद ये राज्य स्तर पर होती है। तो इसको विधान, विधान का मतलब कानून होता है और काउंसिल का मतलब एक तरीके से परिषद, विद्वानों की सभा। तो उसके मेंबर लेफ्ट देयर सीट्स
ऐसा हो गया। एंड मैनी जो बहुत विद्वान थे रिटर्न्ड ब्रिटिश डेकोरेशंस एंड टाइटल्स, रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया। सो मैनी जलियांवाला बाग के बाद ना, तो मैनी है रिटर्न्ड ब्रिटिश टाइटल्स एंड डेकोरेशंस टाइटल्स, ये भी हो सकता है एंड डेकोरेशंस, उसको क्या कहते हैं, दैट इज फॉरेन क्लॉथ्स वर्क। तुम्हारी बुक में एक सेंटेंस नहीं, उनकी होली जलाने को क्या लिखा था, जब बर्न्ट नहीं, कोई अच्छा सेंटेंस पढ़ो, फॉरेन क्लॉथ क्या था, हाँ बोन फायर। सो पब्लिकली फॉरेन क्लॉथ्स वर बर्न, बोन फायर याद नहीं रहेगा इसलिए बनती नहीं, लेकिन पता रहना चाहिए कि बुक में क्या है, नया वर्ड मिला नहीं। और लिकर शॉप्स वर पिक्टेड, इन्हें इसका घेराव किया गया, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, पिकेटेड की स्पेलिंग की वो लिखी है, लिखा जा रहा है सी के, बस पिकेटेड ऐसे ही है, पिकेट की गई। अब देखो ये सारी चीज हुई, ये सारी चीजें हुई ना, नॉन कॉपरेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जैसे कि खेड़ा वो सारी चीज। अब आगे पढ़ते हैं, इतनी तो बात हुई कि ये सब हुआ, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया लिख दो, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब आगे देखिए, नाउ गुंटूर में अलग काम हुआ और खेदा में अलग हुआ, सिंध में अलग हुआ, तो 48-60 कौन से पेज पे बताओ, उससे ही उठाते हैं, हर चीज पर अलग अलग नहीं, अलग अलग तो है, हम लोग 1921 में ना, 1921 में देखो वही मिल जाएगा। तो रॉलेट सत्याग्रह हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ये पीपल्स इनिशिएटिव, यही लिखो, ट्राइबल्स एंड पुअर पीजेंट्स इन नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह, लिखो इन गुंटूर क्या होगी बताओ, एक किया जाए ठीक है, इन गुंटूर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, ट्राइबल्स ऑर्गेनाइज्ड फॉरेस्ट सत्याग्रह, ट्राइबल्स ऑर्गेनाइज्ड फॉरेस्ट सत्याग्रह, अब देखें खेड़ा में क्या हुआ, पाटीदार पीजेंट ऑर्गेनाइज्ड नॉन वायलेंस कैंपेन अगेंस्ट आईलैंड रेवेन्यू, इन खेड़ा पाटीदार किसान जिनके पास जमीन होती है उनको पाटीदार कहते हैं, पट्टा होता है ना उसको पाटीदार, जमीन होती ना जिसके लैंड ओनर्स, तो इन खेड़ा फार्मर्स भी लिख सकते हो, फार्मर्स स्टार्टेड this movement, for high revenue, कि उन्हें पैसा कम देना पड़े। खेदा कहाँ में है बोलो, गुजरात में है, और कहीं कुछ हुआ, कॉलोनियल रूल
फिर इसके बाद सिंध में भी हुआ है, अगले पेज पे देखो। सो अहमदाबाद में भी हुआ है, अहमदाबाद में भी हुआ है। अहमदाबाद में क्या लिखा है? इन अहमदाबाद मिल वर्कर्स, ठीक है, रोज अगेंस्ट हाई, मतलब लॉन्ग वर्किंग आवर्स। इन अहमदाबाद मिल वर्कर्स, और बिहार में कहाँ था? चंपारण। मिल वर्कर्स रोज अगेंस्ट लॉन्ग वर्किंग आवर्स। देवव्रत बोलो चंपारण में क्या हुआ? यहाँ चंपारण क्या हुआ था बताओ? आप बताइए, चौरी चौरा की बात है। चौरी चौरा अलग जगह, चंपारण अलग, दोनों बिहार में। हाँ, इंडिगो प्लांटेशन का विरोध किया था, नील की खेती का, चित्र नहीं दिखा था नील की खेती। सो अब देखो कि इन आगे का देखें कि पढ़ा खबर फैल कर पागलपन का सैल। नील की खेती कैसे की जाती है? ये देखो, ये नील के पेड़ है, नीले नहीं है लेकिन पानी में डालते ही नीले हो जाते। नील की खेती सबसे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन, व्हाट इज इको रेंजिंग? स्टेट 21, फंक्शन ऑफ इको रेंजिंग। तो चंदन, आप गुंज परास से क्या समझते हैं? कोई इसका एक उपयोग बताइए, बताइए।